आवी की परिभाषा, आवी के प्रकार, आवी की कोटि, कोटि बता देती है एम इन टू एन पंक्तियों की संख्या है, स्तंभों की संख्या है, जो कोटि होगी एम इन टू एन और हमेशा पंक्ति पहले रहेंगी और फिर संख्या स्तंभों की संख्या ऐसे छहते रहे वो जो पंक्तियाँ हैं ऊर्ध्वाधर स्तंभ कहलाएंगे और आठ प्रकार बताए थे पंक्ति आपने कोटि पर एक पंक्ति एन स्तंभ वन एन टू एन कोटि का पंक्ति आपके ऊपर स्तंभ आपके कोटि पर एक स्तंभ एन बराबर एम इन टू वन कोटि का हमारे को क्या होगा स्तंभ आपके शून्य आपके पृथ्वी सके तो शून्य शून्य आपके को उसे रिप्रेजेंट करते हैं और फिर का वर्गाधि वर्गाधि जिसमें एन बराबर है स्तंभ और पंक्ति की संख्या बराबर होने को कहलाता है वर्गाधि और वर्गाधि का हमारे पास प्रत्येक और इसके बाद था विकर्णाधि विकर्णाधि क्या था ऐसा वर्ग आदि जिसमें विकर्ण के सभी हैं विकर्ण के अलावा शेष अगले शून्य मुख्य विकर्ण ये मुख्य विकर्ण होता है इसके अलावा बाकी अवस्था सब शून्य को कहलाता है विकर्णाधि अधिसार ऐसा विकर्णाधि जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अंग समान है वो क्या कहलाता है अधिसारु और इकाई है इकाई आपको कहलाता है और फिर से ऊपरी त्रिभुजाकार और निम्न त्रिभुजाकार ये आठ प्रकार के आप बताए थे आज उसके बाद कुछ गुणधर्म है आधुनिक गुणधर्म परिवर्तन आदि समय का प्रति संविधान आयु के गुणधर्म प्रॉपर्टी का मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स पहला है परिवर्तन परिवर्तन आदि काम को जो है काम को a बराबर aij आगे है m into n कोटि कोटि का है m into n कोटि आगे a का परिवर्त आगे परिवर्त आगे a t या a है दोनों से प्रेजेंट करते हैं इक्वल टाइम को परिवर्त आगे बराबर कितना हो जाएगा a की आई और a इनटू n को सिस्टम को कॉलम में बदल दें तो जो पंक्ति को स्तंभ का स्तंभ को पंक्ति को i की क्या है j और यह इसको ऐसे लिखा जा सकता है परिवर्तन आदि के लिए जैसे ये आपका आदि a बराबर 1 2 3 4 0 6 इस ऑर्डर का है दो पंक्ति और तीन कॉलम इसका परिवर्तन आदि नहीं है परिवर्तन आदि क्या है या तो डैश से करेंगे कि ए है तो ए टी बी है तो बी टी तो ए का परिवर्तन ए का परिवर्तन आदि ए टी बराबर स्तंभ को पंक्ति में बदल देंगे पहला शब्द है एक क्या पंक्ति क्या हो जाएगी तीन चार दूसरा स्तंभ दो जीरो पंक्ति दो जी और जीरो तीन छह इस और हो जाएगा तीन को छू पाओ जाए ये कहलाता है परिवर्तन या पंक्ति को शुरू करो तो एक ही बात पहली पंक्ति वन टू थ्री को शुरू करो डबल टू थ्री दूसरी पंक्ति को मतलब चार जीरो छह परिवर्तन की परिभाषा आ जाए तो ठीक
शब्दों को पंक्तियों में अथवा पंक्तियों को दोनों से एक ही काम हो सकता है, दूसरा प्राप्त हो जाएगा। आप स्तर को पंक्ति को देंगे तो पंक्ति स्तर को तो कर देंगे, तो ए टी बराबर होगा ए आई ए जे आई, ए आई जे को क्या लिख देंगे जे आई एन इन टू एम ऑर्डर, और परिभाषा लिखना चाहो लिख सकते हो, लिखित परिभाषा है किसी आरोप के स्तंभों को पंक्ति अथवा पंक्तियों के स्तंभों को बदलने पर प्राप्त आलू उसका परिवर्त आलू कहलाता है। इसी हम डैश से नहीं लगाते दो आकृति आपके लिए उनका समान कोटि का होना जरूरी है।
सिद्ध कर देते हैं a y को 3 0 5 6 b x 1 a को 3 को जो आपको कहीं योग के लिए 3 को के समान होना जरूरी है उनके समान होना जरूरी है या क्या होता है 0 माइनस 1 2 3 4 5 यही कुल भी सही हो जाता है पहले किसका परिवर्तन हो रहा है योग का ए और बी को जोड़ेंगे इसके बाद परिवर्तन करना है ए प्लस बी दो आधार को योग का मतलब है उसके करना ताकि उनको जोड़ने के लिए वो भी समान होगी दो समान कोटि के आत्म का योग और अंतर संभव है दो समान कोटि के मैट्रिक्स का ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है तो यह दोनों की कोटि बराबर है संगत आवे को जोड़ो ए प्लस बी और बी ए वन वन प्लस बी वन संगत आवे जोड़ेंगे ए वन वन प्लस बी वन 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 प्लस जीरो वन ये बोलता है मैं ए वन को किससे जोड़ेंगे बी वन को टू माइनस वन वन है थ्री प्लस टू फाइव संगत आवे को योग से प्राप्त आदि का योग होगा और जीरो किसके साथ जुड़ेगा फिर उसके साथ जीरो प्लस जी ये पांच प्लस दो सात छह प्लस एक ये हो गया आपका एक प्लस जी उसका एक प्लस बी का ट्रांसपोज करिए और ये ट्रांसपोज करिए क्या है पहला एटम पंक्ति में बदल गया दूसरा एटम पंक्ति में तीसरा एटम पंक्ति ये आ गया एक प्लस बी का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड क्या है राइट हैंड साइड इसका परिवर्तन करिए मान जीरो टू फाइव थ्री सिक्स इसका हमको पंक्ति बदल रहा है पंक्ति के स्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या बी डी बी का ट्रांसपोज मेरा बी जीरो थ्री माइनस वन टू टू वन दो है एटी प्लस एटी बराबर वन जीरो टू जीरो टू फाइव थ्री सिक्स प्लस जीरो थ्री माइनस वन टू टू वन बताओ अगला सवाल करेंगे वन प्लस जीरो वन जीरो प्लस थ्री थ्री टू माइनस वन वन माइनस प्लस टू सेवन थ्री प्लस टू फाइव सेवन बोले ये पांच प्लस एक कैसे अरे ऐसे थोड़ा बना रहे तो सर क्या हो गया नेगेटिव साइन बराबर नेगेटिव साइन है ए प्लस बी का परिवर्तन बराबर होगा ए प्लस बी का परिवर्तन प्लस बी का परिवर्तन ये आप माइनस किया था माइनस के लिए तीन प्रॉपर्टी है इसके साथ क्या है ये ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस माइनस बी का परिवर्तन बराबर ए का परिवर्तन प्लस माइनस बी का परिवर्तन ये बोलना परिवर्तन का परिवर्तन मूल मैट्रिक्स ए के बराबर होगा दूसरा गुण बन गया ये सत्यापन के लिए करवाएंगे आपसे तो आपको मैट्रिक्स दे रखे होंगे मैट्रिक्स देके और योग सक्रिय आ गया है मैट्रिक्स में योग सक्रिय है मतलब संगत आवेश को जोड़ देते हैं अंतर का भी संगत है जो बताना तीसरा गुण डाल देता मैंने इस प्रकार से एक साथ करते हैं चौथा गुण है टी गुणन आपको अभी बताया नहीं है दो आगे का गुणन तो इसको बाद में प्रूव कर देंगे मैं लिख देता हूं ए बी का ए और बी आगे के गुणनफल से प्राप्त आगे हो गए ए बी का परिवर्तन ट्रांसपोज बराबर यहां ऑर्डर बदल जाएगा बी टी और ए टी हो जाएगा ये बोर्ड में आ चुका कई बार सत्यापन के लिए ए बी दे रखे होंगे आपको सत्यापित करो तो ए इंटू बी का मतलब है दो आवयों का गुणनफल
आवयों के गुणनफल के लिए कंडीशन है, वो गुणनफल के टाइम पढ़ेंगे। तो ये ए बी का ट्रांसपोज, ए और बी के गुणनफल से प्राप्त आवयु का ट्रांसपोज परिवर्त आवयु बराबर किसके होगा, ए बी है तो यह क्या हो जाएगा, बी ए बी टी ए टी, क्रम बदल जाएगा। और एक और है के ए का ट्रांसपोज करो ऐसे, या के ए टी कर दो, एक ही बात है। के क्या है, के एक कॉन्स्टेंट है, अचर। किसी आवयु को के यानी के दो मान ले, दो कोई भी संख्या है उससे गुणा करके परिवर्त निकालो या परिवर्त करके गुणा करो। ये तो क्या है, पहले आवयु ए को के से गुणा किया गया उसके बाद परिवर्त किया है, और ये क्या है, ए का परिवर्त है और उसको के से गुणा करके बराबर आएगा। ठीक है, एक मिनट। सममित आवयु और विषम सममित आवयु, सममित आवयु सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आवयु आवयु ए ए आई जे एम इंटू एन कोटि का है, आवयु ए ए आई जे एम इंटू एन कोटि का सममित आवयु कहलाता है, सममित आवयु कहलाता है यदि ए का ट्रांसपोज बराबर ए या ए आई जे बराबर ए जे आई, यानी किसी आवयु का सममित आवयु क्या बोलते हैं, परिवर्त आवयु खुद के बराबर है तो उसे क्या बोलते हैं, सममित आवयु, इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए टी बराबर ए तो क्या कहलाएगा, ये सममित आवयु, या ए आई जे बराबर ए जे आई, ए आई जे बराबर ए जे आई हो, ए आई जे बराबर ए आई क्या होगा, देखो ए वन टू थ्री टू फोर थ्री और ये क्या टू, या ले लीजिए आप फाइव, और ये फाइव सिक्स। इसका ट्रांसपोज करके देखो, इसका ट्रांसपोज करके तो ए टी बराबर क्या आ रहा है, बोलो, इस स्तंभ को पंक्ति में बदल दें, स्तंभ को पंक्ति में बदला, इस स्तंभ को पंक्ति में और इस स्तंभ को भी पंक्ति में, तो ए टी बराबर ए आ रहा है कि नहीं, ए टी बराबर आ गया, तो ए क्या हो जाएगा, सममित आवयु। तो ए सममित आवयु है, सममित आवयु है। और दूसरा तरीका इसी से जांचना है आपको, यही ज्यादा आसान रहेगा। और दूसरा तरीका है, अब ये बोलो ए वन वन, ए वन वन तो ए वन वन के बराबर हो गई, ए वन टू ए आई जे बराबर किसके हो जाते हैं, जे आई के, ए वन टू किसके बराबर होगा, ए टू वन के, ए टू वन चेक कर लो, ए वन टू यानी पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव दो। ए वन टू का क्या मतलब है, पहली पंक्ति हमेशा पंक्ति का नंबर आएगा पहले, और ये स्तंभ का, ए वन टू का मतलब पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव कौन सा हो गया, दो हो गया, ए वन टू पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव दो है, और ए टू वन दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का, ये दोनों बराबर है कि नहीं, ए आई जे बराबर ए जे आई। और ए वन थ्री, ए वन थ्री किसके बराबर, जी ए थ्री वन के, ए वन थ्री इज इक्वल टू ए थ्री वन। और ये देखिए ए टू थ्री बराबर ए थ्री टू, टू थ्री दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ पांच, और तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ पांच आ रहेंगे। या तो आप परिवर्त करके देखो, किसी आवयु का परिवर्त ट्रांसपोज मैट्रिक्स उसी के बराबर है तो वो क्या कहलाता है, सममित आवयु, या ए आई जे बराबर ए जे आई, ए वन टू किसके बराबर, ए टू वन के।
ए वन टू किसके बराबर होगा, ए टू वन के, ऐसे आव्यूह को क्या बोलते हैं, सममित आव्यूह। तो ये सममित हो गया। दूसरा है फिर विषम सममित, सममित आव्यूह के बाद है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आव्यूह ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन कोटि का आव्यूह ए विषम सममित आव्यूह कहलाता है। विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए, किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह के माइनस अपोजिट साइन के बराबर है तो वो क्या कहलाता है, विषम सममित आव्यूह। या ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, ए आई जे बराबर माइनस जे, माइनस जे आई, तो ये कहलाएगा विषम सममित आव्यूह। अब विषम सममित के लिए अब वो ये कोई आव्यूह जिसका परिवर्त अगर मैं लें तो वो माइनस ए के बराबर आना चाहिए। परिवर्त किसके बराबर आना चाहिए, हो गया।